प्लाट की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी। लेट मी नाउ इन जिम्मेदारी इंग्लिश से बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं। हम क्या सोचते हैं कि जिस दिन क्लाइंट नहीं आता, जिस दिन प्रॉपर्टी की छुट्टी होती है, उस दिन हम सोचते हैं कि हमको आराम हो गया, हमारे जी आज साहब नहीं आने वाले हैं, आज कोई नहीं आने वाला है, तो शायद क्या करते हैं, हम पोस्ट पर आराम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी दिन का वेट जो आपके लोग जो है, जो अस्मदक लोग हैं, वो उसी दिन का वेट करते हैं कि किस दिन गार्ड लापरवाह बने, किस दिन मैं चोरी करूं, किस दिन मैं ऊपर से छलांग मार के यहाँ की प्रॉपर्टी से नुकसान करूं। उस दिन का वो हर कोई वेट करता है, जो आपके पीछे जो भी चोरी के लिए लोग बाग लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ अंदर आके कुछ चोरी हो जाए या चोर यहाँ पर, उस दिन का वो वेट करते हैं कि गार्ड किस दिन अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सुने। अब हमें ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, गार्ड का मतलब पहला शब्द होता है जी, पहला वर्ड होता है जी, गार्ड की स्पेलिंग में पहला वर्ड होता है जी, जीनियस। जीनियस मतलब होता है जानकारी, ज्ञान, हम उस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी लें। और उसके बाद दूसरा होता है यू, मतलब होता है यूनिफॉर्म। अभी हमें कई दूर से भी लोग देखेंगे, बोलेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी, क्योंकि हम यूनिफॉर्म में, हम एक विजुअल हैं, हमको रोज दूर से भी दो लोग लिखेगा कि वहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड, आप कहीं पर भी पोस्ट में ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर दिखेगा कि ड्यूटी गार्ड है भाई, मतलब उनके पहले से मन में शंका हो जाएगी, जिसका मन में ये है कि यहाँ से कुछ चोरी करने का, उनके पहले मन में हो जाएगा कुछ भी गलत काम करने का, पहले दिखेगा भैया वहाँ गार्ड, अब गार्ड है कैसा आप बताए, समझ गए। यू मतलब ए मतलब अलर्ट, सतर्क, टोकने वाला, क्या किसी को भी टोकने वाला, जो भी आता है उसको टोकेगा, रोकेंगे और टोकेंगे, क्या करेंगे, तुमसे पूछेंगे हाँ जी, लेकिन अपने को देख पहनावा भी देखेंगे उनका, बुलिया बुलिया देखते हुए, ऐसा नहीं है एक बुजुर्ग आदमी आ रहा हाँ जी ये, ऐसा नहीं है एक बुजुर्ग आदमी बेचारे अपने सहारे के लिए वो आपके पास आ रहा है, आप आपका एटीट्यूड अलग है, आपको दिख जाएगा ना कि ये चोर लपंगा टाइप का है, तो उसे हजी इसलिए आप प्रत्येक व्यक्ति को रोकेंगे टोकेंगे, जिस तरह से आपको लगता है कि दूसरा उनका कैसा, समझना है इस प्रवृत्ति से, समझना है आपको, ये जो समझने के लिए भगवान ने दे रखा है आपको, इससे आपको समझना है, बोलना है हाँ क्या किस काम के लिए, जब आपको लगता है कोई सीनियर आ रहे हैं, अच्छे सीनियर सज्जन आते व्यक्ति आ रहे हैं, सर बताइए किससे मिलने आए, आपको लग रहा है लफंडर आते हैं, हाँ जी किससे मिलने आ रहे हैं, कहाँ जाना है आपको, तो प्रत्येक व्यक्ति को आप बोलिए के अनुसार टोक, आपको पता है कि वो बंदा किस तरह का कैसा है, ये आप अपने आई क्यू लेवल में बैठाएंगे और प्लस उससे पूछेंगे, हाँ जी बताइए, हाँ सर बताइए, सर बताइए किससे मिलने आए, जब तक आप यहाँ पे नहीं टोकेंगे टोकेंगे आपको यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं, उसे पता चल जाएगा भैया गार्ड है, रोकता है और टोकता है, पूछता है, हर वर्ड यूज करता है, पूछता है वहाँ पर, तो आप क्या होंगे, उसके आने की हिम्मत वहीं पर टूट जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि जो गलत प्रवृत्ति के लोग आएंगे उनकी हिम्मत वहीं पर टूट जाएगी, कि वो सोचेंगे गार्ड भैया टोकता है, रोकता है, पहले पूछता है, कौन क्या, बोलते हैं अलर्ट, आप सतर्क रहेंगे अपनी पोस्ट पर, सतर्क रहेंगे तब तो, अब आपको पता ही नहीं है रात भर, तो आपने देखा कि अलर्ट क्या, आपने देखा कोई आने वाला ही नहीं है, आप वैसे ही सोए पड़े, तो वो तो काम कर देगा, वो तो आपके यहाँ से कुछ ना कुछ लेके चला जाएगा और कल आपको भरना पड़ेगा। अब अगला शब्द आता है, ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा शब्द है आर, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है
कि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु जो जो चीजें यहाँ पर हैं उसकी जिम्मेदारी आप है, आपकी कंपनी की और आप आपसे जुड़ा हुआ मैंने, आपकी कंपनी तो थोड़ा दूर की बात है, अभी अभी आप जुड़े हुए जाना कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जिम्मेदार हैं। यदि यहाँ पर शीशा टूट गया हो, कैसे टूटा भाई, क्यों टूटा, क्यों भी असर टूट गया, आपको नहीं पता है कि कब टूटा कैसे टूटा, तो गार्ड का क्या पता, आपको यहाँ की पल पल की खबर होनी चाहिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तभी तो आप आगे को बता पाएंगे। जिम्मेदार है ना, जिस तरह से आपका घर का सामान की आप जिम्मेदारी करते हैं, आपका पैसा लगाता है तो आप घर में जाते ही बोलते हैं ये कैसे हुआ, अपने बच्चों से पूछ लिया, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी जिम्मेदारी लेनी, यदि हम यहाँ पर भी हैं तो उसी प्रकार आप यहाँ पर भी आप जिम्मेदार हैं। अब लास्ट होता है कि डेडिकेशन, नहीं आना है मुझे, नहीं करना है, बार बार जबरदस्ती किया जा रहा है, काम करने की निष्ठा ही नहीं है मेरे अंदर, मैं काम कर ही नहीं सकता, बार बार मेरे को बोला जा रहा नहीं, आप आइए खड़ा हो, नहीं करना है, मैं उसी से नहीं पता, काम करने के अंदर मेरे को क्षमता ही नहीं है, लेकिन हाँ नहीं करता जब तक आप कड़क नहीं होंगे आप तब तक आपकी वैल्यू कोई नहीं, आपको कड़क क्यों ना पड़ेगा, लेकिन अभी इन्हें बोला कि यहाँ से गाड़ियों की लाइन क्यों में गाड़ियाँ आए, समझ गए मेरी बात, थोड़ा सा आप लोग भी समझो, क्यों पे लाइन पे गाड़ियाँ आ रही हैं, एक क्यों लाइन से उस बीच में उस कंपनी के उस वहाँ के मालिक भी आ गए बीच में, अब क्या करेंगे हम, क्या क्यों की लाइनें छोड़ देंगे और मालिक को पहले ले लेंगे, क्या जो रूल है वो करेंगे, जो हमारा रूल है एक एक गाड़ी को चेक करना, चाहे उसमें मालिक आ जाए चाहे उसमें कोई भी आ जाए, लेकिन हमको तो पहले उसमें जो हमको नियम दे रखा है कि भैया हमको सब गाड़ियों को चेक करना है, सीट चेक करना है, नीचे चेक करना है, ऊपर चेक करना है, सारी चीज़ें उसके डिग्गी को चेक करना है, तो वो सारी चीज़ें जब चेक करेंगे तभी उसको हम बाबू में ड्राइवर आया है।